बच्चे कैसे हो। आज हम अष्टम कक्षा अर्थात आठवीं कक्षा विषय संस्कृत प्रथमा पाठ, पाठ का नाम सुगमम संस्कृतम। पाठ में कुछ शब्दार्थ निहित हैं जो इस तरह हैं, उसको साथ साथ उच्चारण करें। हम बोल रहे हैं, पीछे पीछे तुम लोग भी बोलो। सुगमम सरल, अई सुनीते अरी सुनीता, किमिति क्या बात है, खिन्नम उदास, किम करोमि क्या करूं, अंका नंबर अलम विषादिन दुख मत करो, कालेन समय के साथ, सखी हे सखी तुभ्यम तुम्हारे तुम्हारे लिए, आदौ शुरू में कदाचित शायद, यत जो तत एव वही ते तब अर्थात तुम्हारा या तुम्हारी, ममापि मेरे भी, संप्रति अब, जानामि मैं जानता या जानती हूँ, जानी जान लो, सर्वम सिद्ध्यति सब काम सिद्ध होना चाहिए, मह्यम मुझे मेरे लिए, रोचते अच्छा लगता है, वस्तुतः वास्तव में, तत्कथम वह कैसे, कौशलम निपुणता, क्लिष्टम कठिन, प्रति यते लगता या लगती है, कंठस्थ याद, श्रवणेन सुनने से, वाचनेन पढ़ने से, सहमित चित्तम मन लगाकर, ज्ञातव्य जानना चाहिए, चिंता मास्तु चिंता मत करो, अथ किम बिल्कुल, भाषणेन बोलने से, पठितव्यम पढ़ना या पढ़नी चाहिए। अब कुछ परस्पर संवाद है, उस परस्पर संवाद है, इस तरह से सब साथ में बोलो। सुगमम संस्कृतम प्रीति अई सुनीते किमिति खिन्नमसि, सुनीता किम करोमि, संस्कृत परीक्षायां मम अंका नोसु अति सुहना, प्रीति अलम विषादेन परिश्रमेण कालेन च सर्वम सिद्ध्यति, सुनीता सखी तुभ्यं सत्यं वदामि, मह्यं तु संस्कृतम न रोचते किम्, ऐसा कठिना भाषा तुभ्यं रोचते, प्रीति सुनीते वस्तुतः संस्कृतम सुगमम न तु कठिनम, सुनीता तत्कथम, प्रीति अभ्यासेन एव कौशलम भवति, अतः आदौ यत् क्लिष्टम प्रतीयते कालेन तत् सरलम भवति, परम धातु रूपाणि शब्द रूपाणि सर्वमेतत् कथम कंठस्थम भवेत्, प्रीति सुनीते शब्द रूपाणां धातु रूपाणां च प्रयोग सम्यक बोधव्य, किं त्वं गृह गत्वा पाठस्य वाचनं नियमेन करोषि, सुनीता कथं करोमि, अध्यापिका यत् कक्षायां शिक्षयति अहं तत् एव न बोधामि, प्रीति अलं चिन्तया सावधानं श्रवणेन पुनः पुनः च वाचनेन सर्वं बोधं गमिष्यति, सुनीता कदाचित् सत्यं कथयसि, त्वं कक्षायां समाहितचित्तं स्थित्वा पाठस्य च पुनरावृत्तिं कृत्वा मया भाषायाः प्रयोगः ज्ञातव्यः, चिन्ता प्रीति चिन्ता मास्तु अहमपि ते सहायतां करिष्यामि, सुनीता एवं ममापि संस्कृत परीक्षायां शोभना अंका भविष्यन्ति, प्रीति अथ किं सखी जानीहि यत् एतत् यत् संस्कृतम् एका भाषा श्रवणेन भाषणेन वाचनेन चैव लेखनं शुद्धं भवति, सुनीता संप्रति जानामि संस्कृतं कथं पठितव्यम् अद्य प्रभृति कक्षायां सावधानं स्थास्यामि। अब हम इसे संस्कृत का जो सुगमम संस्कृतम है उसका स हिंदी व्याख्या भी करेंगे। प्रीति अई सुनीते अरी सुनीता सुनीते क्या किमिति खिन्नमसि, क्या तुम खिन्न हो, प्रीति किम करोमि क्या करूं, संस्कृत परीक्षायां मम अंका न अति शोभना, संस्कृत की जो परीक्षाएं थी उसमें परीक्षा की अंक अति दयनीय थी, प्रीति अलम विषादे इसके लिए मन में खेद क्यों हो, परिश्रमेण कालेन च सर्वम सिद्ध्यति, परिश्रम से सभी सिद्ध होती है, सुनीता सखी तुभ्यम सत्यम वदामि, हाँ सखी तुम सही सत्य कह रही हो, मह्यं तु संस्कृतम् न रोचते,
मुझे तो संस्कृत अच्छा नहीं लगता, किन ईशा कठिन भाषा तुम्हें रोचते, ये कठिन भाषा तुम्हें अच्छे लगती है या लगती है? प्रीति सुनीते वसुता संस्कृत सुमम न तो कठिनम। प्रीति हरी सुनीते, ये तो बहुत ही सुगम है, बहुत संस्कृत सुगम है न तो कठिन है। सुनीता तत्कथम, फिर उसके बाद क्या? प्रीति अभ्यास एव कौशलम भवत, जब अभ्यास करोगी तभी तो सुगम होगा या होगी। अतः आदो यत क्लिष्टम प्रतीयते कालेन तत् सरलम भविष्यति, जब बार बार उसे पढ़ोगी लिखोगी बोलोगी तभी सरल हो। सुनीता परम धातु रूपाणि शब्द रूपाणि सर्वमेतत् कथम कंठस्थम भवेत्। अरे सुनीते, ये शब्द रूप और धातु रूप सभी तो कंठस्थ होते हैं। प्रीति सुनीते शब्द रूपाणाम धातु रूपाणाम च प्रयोग सम्यक बोधव्य। अरे सुनीते, शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग उचित स्थान पे उचित समय पे करने का ज्ञान भी तो होना चाहिए, नियम भी तो होना चाहिए। सुनीत कथम करो, तो क्या करो? अध्यापिका यत कक्षायाम शिक्षति अहम तत् एवं न बोधयामि, जब हमारी शिक्षिका कक्षा में पढ़ाती है तब हमें कुछ समझ में नहीं है। प्रीति अलम चिंतया, क्या तुम चिंता करते हो? सावधानम श्रवणेन पुनः पुनः, तुम सावधान चित्त से धीरे धीरे सुनो। वाचनेन सर्वम बोधम गमिष्यति, उनके साथ बोलो सभी तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा। सुनीता कदाचित सत्यम कथयसि, तुम क्या तुम सत्य कह रही हो? कक्षायाम समाहित चित्तम स्थित्वा पाठस्य च पुनरावृत्तिं कृत्वा मया भाषाया प्रयोग ज्ञातव्य, कक्षा में सावधान होकर स्थित मन से पाठ का पुनरावृत्ति करो और भाषा का प्रयोग करो, इसी से तुम्हें संस्कृत का ज्ञान हो जाए या हो जाए। प्रीति चिंता मास्त, चिंता मत करो, अहम अपि ते सहायतां करिष्यामि, और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूं। सुनीता आम एवं ममापि संस्कृत परीक्षायां परीक्षायां शोभना अंका भविष्यन्ति, और इससे परीक्षा में संस्कृत परीक्षा में परीक्षा का बहुत ही अच्छा प्राप्त हो। प्रीति अतक ऐसा कैसे जानी सखी जानी एतत् यत् संस्कृतम एका भाषा श्रवणेन, ये जो संस्कृत भाषा है उसको सुनने से बोलने से वाचने बोलने से और लिखने से शुद्ध होती। सुनीता संप्रति जाना, तुम अभी जानती हो संस्कृत कथम पठितव्य, क्यों पढ़ते हैं? अद्य प्रवृत्ति कक्षायाम सावधान स्थापयामि, ये इसलिए पढ़ते हैं जो कक्षा में सावधान होकर के किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी पाठ को यदि सावधान से सुनोगी पढ़ोगी लिखोगी तो अच्छा उसका परिणाम या उसकी परिणाम प्राप्त।